हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होते। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स। नो एलिमेंट्स हाँ, अगर मैंने उसके अंदर कोई जीरो लिख दिया तो फिर वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। तो इसी पॉइंट्स में आपको अंडरस्टैंड करना है इसके कॉन्सेप्ट को। तो पहले तो लिख लीजिए एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? मीन्स अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, राइट। विच हैज नो एलिमेंट्स, इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज डिनोटेड बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और फाइ। फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं फाइ, या फिर ये ऐसे फ्लावर ब्रैकेट बना दीजिए, फ्लावर ब्रैकेट में कुछ भी मत रखिए। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर इज जीरो, दैट इज इट हैज नो एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट। दिस इज द साइन टू रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट। वी आल्सो रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट बाय फाइव। अब ये दोनों बातों को बड़े इंपॉर्टेंटली आप केयर करेंगे। कैसे? अगर मैंने ऐसे लिख दिया नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, माइंड इट, दिस इज अ सेट विच कंटेन्स दिस एलिमेंट। सो सिंप्लीफाई, फाइ जो है इसका नोटेशन है, ये इसका नोटेशन है, ये एम्प्टी सेट के लिए नोटेशन नहीं है। एम्प्टी सेट के लिए नोटेशन या तो ये है या फिर ये है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट को अगर हमने रिप्रेजेंट किया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हाउ टू चेक वेदर इट इज एन एम्प्टी सेट और नॉट? तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब तक हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो सेट एम्प्टी सेट है कि नहीं। आई बात समझ में? तो अगर रोस्टर फॉर्म में है तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई वेदर द सेट इज एम्प्टी सेट और नॉट, बिकॉज रोस्टर फॉर्म में इसका मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। आइदर इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन आर बाय फाइव, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, करेक्ट है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में होगा अगर सेट, और फिर वो एम्प्टी सेट होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस सेट बिल्डर फॉर्म को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, जिसका लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सेट बिल्डर से हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसी के एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर वन, ए इज इक्वल टू फर्स्ट वन, एक्स एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव नंबर, सच दैट एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव नंबर, ये एम्प्टी सेट है। एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, वी नो दैट एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, बट एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। एक्स स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है। सो देयरफॉर हेंस ए इज एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या आप ए को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया एम्प्टी सेट, या फिर ए इज फाइव, फाइव से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला है कि इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना है। ठीक, फाइन, एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल में आते, सेकंड एग्जांपल, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड टू इज लेस देन एक्स लेस देन थ्री। एक्स एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर है जो दो और तीन के बीच में है। वी नो दैट देर इज नो टू एंड थ्री, देर इज नो रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर दो और तीन के बीच में नहीं होते हैं, दो देर आर सो मेनी इन्फाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री। टू एंड थ्री के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, करेक्ट है। सो देयर फोर ए इज एन एम्प्टी सेट। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कॉमन पॉइंट
two parallel lines. Parallel lines. You know that अगर दो या दो से ज्यादा parallel lines के बारे में discuss करेंगे, parallel lines है इसका मतलब already उनके बीच में कोई common points नहीं हो तो वो intersecting lines तो है नहीं. So there is no common point between two or more than two parallel lines. But this set is representing that it is the collection of all those element x such that x is common points to the parallel lines. That means this set is empty set. So therefore A is empty. Fine. So empty set ka concept ye hai. Bas aapko ye dhyan mein rakhna hai ki agar set builder form mein hai to usko empty set mein kaise आइडेंटिफाई करना है कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है, तो आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फाइन, ठीक है. एक और सेट ले लेते हैं. A is equal to x such that x is even prime greater than 3. We know that there are many prime numbers greater than 3, but none of those prime number which are greater than 3 is even. There is only one even prime number and that is 2. Correct? Or 2 do se 3 se bada nahi hai. So therefore here also A is an empty set. A is an empty set. So empty set ke notation mein aapko ye dhyan mein rakhna hai. Ye empty set ka notation hai ya fir ye empty set ka notation hai. Ye empty set ka notation nahi hai. Ab yahan pe aapko वो टेस्ट करेगा ऐसे इसमें. क्लियर हो गई बात. तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्टी सेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेट एंड दैट इज द सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे. जैसे ये 2, जैसे ये 3 या फिर ये 5, ये सिंगलटन सेट है. ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो अब ये सिंगलटन सेट हो जाएगा. x स्क्वायर इक्वल टू 4 है. x स्क्वायर इक्वल टू 4 देयरफॉर mod of x equal to 2. So this gives x equal to, यहाँ से क्या मिलेगा, x equal to plus 2 or minus 2. दो चीजें मिलेगी, या तो plus 2 मिलेगा या तो minus 2 मिलेगा. ठीक है, तो plus 2 accepted होगा क्योंकि ये natural number है, minus 2 नहीं. तो यहाँ पे इस set में a equal to क्या जाएगा, a is equal to which is a singleton set. Got the point? Right. Now come to the paired set. Next one is paired set. Contains two elements only. A set which contains two elements is a paired set. उसको हम paired set बोलते हैं. ठीक है? Example, A is equal to 3, 4. B is equal to like minus 4 minus 10 like that. These are paired set. ठीक है, roster form में तो कोई issue ही नहीं है. Mainly आपको concentrate करना है set builder form में. Set builder form में जैसे मैंने A ले लिया, x such that x square minus 5 plus 6 equal to 0, x belongs to z. ठीक है, तो x square minus 5x plus 6 equal to 0, this gives x minus 2, x minus 3 equal to 0, x equal to 2 and x equal to 3. So hence A is equal to 2 and 3 because 2 and 3 both are integers. ठीक है, यहाँ कोई issue ही नहीं है, integer है. तो A में दो elements आ गए, एक है 2 और एक 3, therefore A is a paired set, कोई issue नहीं. Finite set and infinite sets के बारे में हमने already पहले ही बात कर ली है, फिर भी आप लिख सकते हैं. Next one is finite set contains finite number of elements.
And please note, empty set is an finite set. जो एम्प्टी सेट है ना वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज जीरो, सो दैट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट. एंड दो सेट व्हिच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस वी आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, देन दैट सेट इज अ फाइनाइट सेट. एंड ऑफ कोर्स दो सेट व्हिच आर नॉट फाइनाइट विल बी इनफाइनाइट सेट, विल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट? ठीक है, फाइन. Now come to the next set, that is the equal sets. Two sets A and B. This is very important. अभी आगे आगे equal sets का concept बहुत important होगा. So two sets A and B are set to be equal set if every element of the set A is also the element of set B. If every element of the set A is also element of set B and vice versa. That is, if X agar A ka element hai, that means that X also in B, and X agar B ka element hai, to X is also in B. Then only we will say that A equal to B. Ab isko concentrate karenge. Important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम जब सेट्स को इक्वल चेकआउट करेंगे तो टू सेट्स को इक्वल चेक करने का क्या कंडीशन होता है वो सबसेट्स के टर्मिनोलॉजी में होता है. क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में, फिर से वही बात, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म का इंपॉर्टेंस ही वही है. अगर सारा चीज रोस्टर फॉर्म में है तो सारी प्रॉपर्टीज आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो वहां आपको प्रॉब्लम रहती है. If the two sets are given in roster form, then you can easily identify whether the two sets are equal sets or not. For example, if A is equal to 1 and 2 and B is equal to 2 and 1. देखिए, A 1 और 2 हो, चाहे जो सेट को लिखने का तरीका है उसमें आपने 1 पहले लिखा है 2 बाद में लिखा है, या 2 पहले लिखा है 1 बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये दोनों इक्वल सेट्स है, ठीक है, एक ही सेट्स है ये इनफैक्ट. लेकिन अगर यही सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में, एक सेट सेट बिल्डर फॉर्म में और दूसरा रोस्टर फॉर्म में, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों सेट्स इक्वल है कि नहीं है. तो सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, सो दैट नाउ यू कैन बी एबल टू चेक वेदर द टू गिवन सेट्स आर इक्वल आर नॉट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट mod of x equal to 4 and x belongs to there, and b is equal to minus 4 and 4. These are the two sets. So this set is given in roster form, there is no problem. It has two elements and those elements are minus 4 and 4. Now, but this set is given in set builder form, so therefore we have to convert this into the roster form first. So yahan pe kya hai, mod of x equal to 4, that gives x equal to plus 2 or minus 2, and both are accepted. X is integers and plus 2 and minus 2 are integers, therefore set A is 4. ठीक है, so A is minus 4 and 4. So A is minus 4 and 4, B is minus 4 and 4, therefore A and B are equal sets. तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, फिर आप सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं इक्वल सेट्स का, ठीक है. सपोज ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2. एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 and x less than equal to minus 2, both condition cannot be satisfied by any real number simultaneously. कोई ऐसा real number नहीं है जो x 4 से बड़ा है और वही real number जो minus 2 से छोटा है. In fact, it is an empty set. So therefore, a and b both are equal sets. Correct?
ये हो गया इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट। अब इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट देना है आपको, क्योंकि जब भी कोई सेट्स को इक्वल सेट दिखाना है तो उसको या तो फिर दोनों के दोनों रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए, अगर दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, कोई एक सेट बिल्डर फॉर्म में दूसरा रोस्टर फॉर्म में तो वो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। जब तक कि आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे आप ये नहीं बता सकते कि दोनों सेट्स इक्वल है कि नहीं है। फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट टाइप ऑफ सेट्स दैट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सो द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर इज सेम। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम है, जैसे ए को मैंने ले लिया 1 2 3 4 और बी को मैंने ले लिया ए ई आई ओ ऐसे ले लिया। तो देखो इसमें क्या है, एन ऑफ ए भी 4 है और एन ऑफ बी भी 4 है, तो अगर ऑर्डर सेम हो जाता है तो दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ टू सेट्स आर सेम देन द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आई होप दैट ये टाइप्स ऑफ सेट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।